हेलो बच्चों, रोबोट्स में एक टॉपिक मुझसे छूट गया था, तो मैंने सोचा इसमें पढ़ा दूं। मैं देखते हैं क्या टॉपिक्स है, कैसे है, क्या है। तो टॉपिक है बच्चों रोबोट्स के टाइप्स। हालांकि मैंने बता दिया था टाइप्स रोबोट के कौन कौन से हैं। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, मटेरियल हैंडलिंग रोबोट्स, जैसे क्लासिफिकेशन में बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। तो जैसे मैं बात करूँ अगर इंडस्ट्रियल रोबोट की, तो इंडस्ट्रियल रोबोट में कौन कौन से आ सकते हैं? मटेरियल हैंडलिंग रोबोट्स, वेल्डिंग रोबोट, इंस्पेक्शन रोबोट, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी रोबोट्स, लेबोरेटरी एप्लीकेशन रोबोट, ये सारे रोबोट्स इंडस्ट्रियल रोबोट्स में आ जाएंगे। अब जैसे मैं बात करूँ मोबाइल रोबोट्स, तो मोबाइल रोबोट्स कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? तो ऐसे मोबाइल्स जो मूव, ऐसे रोबोट्स जो मूव कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोबोट दैट मूव अराउंड ऑन लेग्स, जो अपने लेग्स पे मूव करे, ट्रैक और व्हील, या तो ट्रैक्स हो सकते हैं या व्हील हो सकते हैं। तो ऐसे रोबोट्स को, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इनके मूवमेंट के लिए व्हील है, ट्रैक भी हो सकता है। तो ऐसे रोबोट्स आपके मोबाइल रोबोट्स कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने कि 1979 में एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को ढोने के लिए एक रोबोट तैयार किया गया था। ठीक है, तो अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल को ढोना है तो हम रोबोट से उसको कैरी करवा सकते हैं। ठीक है, और भी रोबोट्स हैं, जैसे एजुकेशनल रोबोट्स। तो रोबोटिक किट्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एजुकेशन। एग्जांपल क्या हैं? जैसे रोबोलैब, लेगो एंड रोबोकॉप सॉकर, ये सारे कैसे हैं? एजुकेशनल रोबोट्स हैं। डोमेस्टिक रोबोट तो दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला, हाउस होल्ड टास्क, जैसे खाना बनाना, घर के कोई काम करना, इस तरह की चीज़ें। दूसरा, मॉडर्न टॉयज, जो आजकल के रोबोट्स खिलौने हैं, विच आर प्रोग्राम टू डू थिंग्स लाइक टॉकिंग, वॉकिंग, डांसिंग, ये सारे रोबोट टॉयज हैं। हाउस होल्ड रोबोट्स भी आते हैं जो घर के काम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो मेन इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने वीडियोज़ बनाया, वो था रोबोट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बता करके मैंने छोड़ दिया था, सेंसर डिटेल्स में नहीं बताए थे। चलिए उसको देखते हैं। तो रोबोट कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो आता है वो मैनिपुलेटर होता है, या रोवर कहते हैं। तो मैनिपुलेटर क्या है? मेन बॉडी ऑफ रोबोट, रोबोट की मेन बॉडी होती है, जैसे लिंक, जॉइंट्स और अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द रोबोट। एंड इफेक्टर क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, एंड इफेक्टर, द पार्ट दैट इज कनेक्टेड टू द लास्ट जॉइंट हैंड ऑफ ए मैनिपुलेटर। वो पार्ट जो मैनिपुलेटर के लास्ट हैंड से कनेक्टेड रहता है, लास्ट जॉइंट हैंड से कनेक्टेड रहता है, एंड इफेक्टर कहलाता है, एंड में होता है। एक्चुएटर्स क्या है बच्चों? तो एक्चुएटर्स बच्चों मसल्स ऑफ द मैनिपुलेटर। ये जो मैनिपुलेटर्स है, ये मैनिपुलेटर जैसे लिंक, जॉइंट, इसका मसल्स होता है, मतलब उसको चलाने के लिए। तो जैसे सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, जो क्या करते हैं? मैनिपुलेटर्स को मोशन देते हैं, एक्चुएटर्स कहलाते हैं। सेंसर्स क्या हैं? आपको बताया था, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्टेट ऑफ द रोबोट और टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। मतलब रोबोट के इंटरनल स्टेट, आंतरिक अवस्था से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट, बाहर के वातावरण से कम्युनिकेट करने के लिए हम सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोलर्स क्या होते हैं? तो सेरिबेलम की तरह होते हैं, जैसे इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मोशन ऑफ द एक्चुएटर्स। जो एक्चुएटर्स, जो हमारा न्यूमेटिक हाइड्रोलिक सिलेंडर्स था, जो हमारा ये क्या नाम है, सर्वो मोटर्स था, स्टेपर मोटर था, इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा कंट्रोलर होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेसर क्या है? द ब्रेन ऑफ द रोबोट। जैसे CPU द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वैसे ब्रेन ऑफ द रोबोट प्रोसेसर है। इट कैलकुलेट्स द मोशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द रोबोट्स जॉइंट। जो रोबोट के जॉइंट्स को कैलकुलेट, और रोबोट्स के जॉइंट का वेग और गति को कैलकुलेट करता है, ठीक है, प्रोसेसर है। कि किसको क्या स्पीड होनी चाहिए, किसका क्या मूवमेंट होना चाहिए, किसको कितना एंगल पर टर्न करना है, एवरीथिंग द प्रोसेसर कैलकुलेट्स एवरी मोशन ऑफ द रोबोट। सॉफ्टवेयर क्या? तो रोबोट को चलाने के लिए, रोबोट इज़ अ हार्डवेयर दैट इट नीड्स अ सॉफ्टवेयर।
एनी हार्डवेयर वांट्स अ सॉफ्टवेयर टू रन इट और एनी प्रोसेसर वांट्स अ सॉफ्टवेयर टू रन द हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम और रोबोटिक सॉफ्टवेयर एंड द कलेक्शन ऑफ रूटीन्स। जैसा आपका मोबाइल है, अगर उसमें से सॉफ्टवेयर मैं निकाल दूँ तो दैट विल बी ओनली हार्डवेयर विच रन्स द मोबाइल दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म द टास्क दैट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, सेंसर्स में भी बहुत सारे सेंसर्स मैंने बताया था। तो सेंसर्स क्या है? सेंसर्स प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट बाय सेंसिंग थिंग्स। चीज़ों को सेंस करके वातावरण के प्रति या वातावरण की जागरूकता प्रदान करता है। सेंसर्स आर द कोर ऑफ द रोबोट्स। सेंसर रोबोट के कोर हैं। इट इज़ द सिस्टम दैट अलर्ट द रोबोट, जो रोबोट को अलर्ट करता है। सेंसिंग कैन बी डिफरेंट फ्रॉम लाइक, सेंसिंग बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे लाइट सेंसर, साउंड सेंसर, हीट सेंसर, केमिकल सेंसर, फोर्स सेंसर, ऑब्जेक्ट सेंसर, फिजिकल ओरिएंटेशन या पोजीशनिंग सेंसर, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसर। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन कि किसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं और किस सेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। एक्चुएटर्स में लोकोमोटिव मैनिपुलेशन भी होते हैं। जैसे लोकोमोटिव में कौन कौन से हैं? एक्चुएटर्स में लेग्स, व्हील, अदर एग्जॉटिक मीन्स होते हैं। लोकोमोटिव एक्चुएटर्स कहलाएंगे, जैसे व्हील्स है, लेग्स है, या कोई और मोशन का एग्जॉटिक मीन्स है, लाइक स्नैक का जो ये स्टेप बाय स्टेप में बना है। मैनिपुलेटर्स में बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने दिशाओं में स्वतंत्र गति कर सकता है। आर्म्स, उसकी जो आर्म्स हैं। ग्रीपर्स क्या होते हैं बच्चों? तो आर्म्स तो आपको पता ही होगा क्या है रोबोट का। ग्रीपर्स क्या है? मे बी वेरी सिंपल, जैसे टू रिजिड आर्म्स टू पिक एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज़, जैसे हमारी उंगलियाँ ग्रीपर्स हैं, क्या करती हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए दो ऑब्जेक्टों का या दो आर्म्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मे बी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन या कॉम्प्लेक्स डिवाइस विद फिंगर्स, बहुत सारी उंगलियों से कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी हो सकता है। ग्रीपर्स ऑन एंड ऑफ एन आर्म, एक आर्म के एंड में लगा होता है। तो बेसिकली ग्रीपर्स वही है। एंड इफेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, एंड इफेक्टर मतलब क्या? एंड ऑफ द रोबोटिक आर्म, ये रोबोटिक आर्म का एंड है, इसी को एंड इफेक्टर कहेंगे। एंड एंड इफेक्टर्स इज द डिवाइस एट द एंड ऑफ द रोबोटिक आर्म डिजाइन टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, और यही एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होता है, मतलब यही एंड इफेक्टर्स ही जो आर्म के एंड में होता है यही टास्क को परफॉर्म करता है, मतलब यही ऑब्जेक्ट को पिक एंड पिक करेगा, प्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा, मतलब एक तरह से यही है जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। एंड इफेक्टर में कंसिस्ट ऑफ अ ग्रीपर, ग्रीपर हो सकता है एंड इफेक्टर्स, या कोई टूल हो सकता है एंड इफेक्टर्स, दो उंगलियाँ हो सकती हैं एंड इफेक्टर्स, मतलब जो ग्रीपर इस्तेमाल हो रहा है एंड इफेक्टर्स की तरह, तो ग्रीपर्स में दो उंगलियाँ भी हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, पाँच भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे दो हैं तो ये क्या होगा? ग्रीपर्स ही हैं। और एक ग्रीपर्स एंड इफेक्टर एंड में है अगर आम के, तो एंड इफेक्टर्स कहलाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है दो ही हो, दो तीन पाँच भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं एंड इफेक्टर्स में, जो ग्रीपर्स है वो उसमें कुछ कितने भी फिंगर्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अब बाकी का काम डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए तो इसको यहीं पे पास करते हैं और वीडियोज़ को कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक छूट गया था मुझसे, सोचा आप लोगों को पढ़ा दूँ। चलिए, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगले वीडियोज़ में हम पढ़ाएंगे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम।